एक आपके पड़ोस में जो है एक गैर मुसलमान औरत रहा करती थी जो बेवा थी, गैर मुसलमान औरत रहा करती थी जो बेवा थी, उसका छोटा बच्चा था जो 8 साल का बच्चा था। वो 8 साल का बच्चा जो है अपनी माँ से पूछता है कि अम्मी जान आप इतने जो है फटे पुराने कपड़े पहनकर क्यों रहती है। दूसरी औरतों को देखता हूँ मोहल्ले में कि वो हर एक रंगीन कपड़े पहनते हैं, अलग अलग कलर के कपड़े पहनते हैं, नए नए लिबास पहनते हैं, लेकिन अम्मी जान में आपको देखता हूँ क्या देखता हूँ कि आप फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। तो औरत कहती है, हालांकि गैर मुसलमान थी, वो औरत कहती है नहीं बेटा, मुझे हमारे घर में कमाने वाले कोई नहीं है, इस वजह से जो है मैं थोड़ा बहुत जो भी कमा लेती हूँ वो कमाई का हिस्सा जो है लेकर तेरे ऊपर मैं खर्च करती हूँ। मैं तो नहीं बेटी लेकिन तेरे ऊपर खर्च करती हूँ। तो कुर्बान जाइए, वो बच्चा कहता है कि अम्मी जान आप जो है इतना कमा कर जो है मेरे ऊपर खर्च करती है, लेकिन आप अपने ऊपर खर्च क्यों नहीं करते। मैं अपने चाचा के पास जाता हूँ, अपने चाचा के पास जाकर जो है उनसे कहता हूँ कि मेरी माँ के लिए कोई चादर दे दे, मेरी माँ के लिए जो है कोई जो है उसे ओढ़ने के लिए कोई चादर दे दे, मैं पूछने के लिए जाता हूँ। तो माँ कहती है कि ना बेटा उसके पास ना जा, वो बड़ा जालिम आदमी है, वो अगर तुझे देखेगा अगर उसके पास मांगने जाएगा तो तुझे ऊपर वो जुल्म करेगा। लेकिन 8 साल का बच्चा था, अपनी माँ को इस हालत में देख नहीं सकता था। वो बच्चा जो है चला जाता है, जब चला जाता है तो उसके चाचा के पास, तो वो चाचा जो है वहां पर बैठ कर लोगों के साथ बैठ कर शराब पी रहा था, अपने नशे में बैठ कर शराब पी रहा था। वो जो 8 साल का बच्चा था वो जाकर जो है जायदाद नहीं मांग रहा था, अपने बाप की जायदाद नहीं मांग रहा था, अपने बाप की जो है जमीन जायदाद का हिस्सा नहीं मांग रहा था। वो जाकर कहता है कि ऐ चाचा जान, मेरी हालत तो आपको मालूम है, आपका भाई यानी मेरा जो है वालिद इंतकाल कर गया है, आपकी जो है जो मेरी माँ है वो माँ की जो है फटे पुराने कपड़े में रहती है, आप इतने पैसे वाले हैं, मैं जो है कोई प्रॉपर्टी नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन जो है अपनी थोड़ी बहुत जो है एक चादर तो मुझे दे दो ताकि मैं अपनी माँ के ऊपर उड़ा सकूँ, मेरी माँ जो है फटे पुराने कपड़ों में रहती है। जो चाचा जो है सुनकर जो है गजबनाक होकर जो है, क्योंकि शराब की हालत में था, तो वो जो है अपने भतीजों को इतना मारता है कि वो बच्चा जो है वहां से भाग कर चला जाता है। भागते भागते जब वो भागने लगता है तो उसे जो है पीछा कर जो है पत्थरों से जो है से फेंक कर मारने की कोशिश करता है। तो बच्चा इधर उधर से बचकर जो है भागता है, जब भागता है तो उसे जो है सर पर चोट आई हुई थी, जिस्म पर चोट आई हुई थी। वो बच्चा जाकर जो है फौरन अपनी माँ के पास जाकर बताता है कि अम्मा जान देखो तुम्हारे यानी कि जो है मेरे चाचा ने मेरी हालत कैसी कर दी है, मैंने उनके पास जमीन मांगने नहीं गया था, कोई प्रॉपर्टी मांगने नहीं गया था, लेकिन जो है मेरे चाचा ने एक चादर मांगी तेरे वास्ते, तो जो है मुझे इस तरीके से मारा है। तो फिर उसकी माँ जो है उसे जो है समझाती है, उसे समझा कर जो है उसके ऊपर जो लगे हुए थे जख्मों को जो पोंछने लगती है। उसके बाद जो है वो कहता है, वो बच्चा कहता है कि अम्मी जान मैंने सुना है हमारे पड़ोस में ही जो है एक आदमी आया हुआ है जो अपने आप को जो है नबी कहता है, वो अपने आप को अल्लाह का नबी कहता है, लोग उसके पास जो है जुड़ने लगे हैं, लोग उसके पास जाने लगे हैं। अम्मी जान क्या मैं भी उसके पास जाकर जो है चादर की पेश करूँ, क्या मैं भी उसके पास जाकर जो है चादर की जो है मैं भी उसके पास डिमांड करूँ, जाकर पूछूं कि मुझे चादर दे दे। तो अम्मी कहती है कि बेटा किसी के पास भी जाना लेकिन उसके पास मत जाना। क्यों? वो बेटा कहता है कि अम्मी जान ऐसा क्यों है? तो उसकी अम्मा कहती है कि जो है बेटा वो बहुत बड़ा जादूगर है, उसके पास मत जाना, लोग उसके पास जाने से डरते हैं, उसके पास भी मत जाना। तो वो बच्चा जो था वो बच्चा कहता है कि अम्मी जान एक मरतबा तो मुझे जाने के लिए इजाजत दीजिए, अगर क्योंकि ये जो है पड़ोस में ही रहता है, अगर वो मुझे मारेगा भी तो जो है मैं फौरन घर को भाग कर आऊंगा, वो चाचा का घर तो बड़ा दूर था, ये यहीं पर है, अगर मारेगा तो मैं आ जाऊंगा। तो उसके बाद जो है उसकी माँ कहती है कि अच्छे बेटा ठीक है तुम चले जाओ। तो बेटा जो है चला जाता है, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप बैठे हुए थे, सहाबा किराम आपके सामने बैठे हुए थे, तो अचानक जो है बच्चा आता है, आकर जो है देखने लगता है कि मोहम्मद कौन है, यहाँ से मोहम्मद कौन है। तमाम सहाबा को देखते देखते जो है जब उसकी नजर जो है हुजूर के चेहरे पर पड़ती है तो बच्चा देखकर जो है खुश होता है और कहता है कि जो है वाकई में यही हुजूर होंगे, क्योंकि इनके चेहरे से नूर इतना टपक रहा था, इनके चेहरे से नूर इतना टपक रहा था, समझ जाता है कि यही जो है मोहम्मद होंगे। तो बच्चा जाता है, वो बच्चा फिर हुजूर के पास जाता है, जाकर कहता है कि या रसूल अल्लाह
मैं मुसलमान